2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, अब ट्रांस 200 सेंटीमीटर या मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जूट। 200 सेंटीमीटर मान के चलिए, हाँ दिस इज द रिक्वायर्ड रेनफॉल फॉर द जूट। जूट भी बच्चों लगभग 6 से 8 मंथ की क्रॉप होती है, 6 से 8 मंथ की क्रॉप होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, ये प्लांट का एक तरीके से प्लांट को जब काटते हैं तो उसका जो स्टेम होता है, स्टेम का एक जो कवर स्किन होती है वही बेटे बाद में जूट का फॉर्मेशन करता है। जूट के प्रोडक्शन में इंडिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेटे एक्सपोर्ट भी करता है। जूट के मेन प्रोडक्ट जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैग, गनी बैग वगैरह है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द जूट। ये बेटा जूट का जूट के बने होते हैं और जूट के बनाए जाते हैं, जैसे आपका शुगर केन वगैरह का, जो शुगर का जो बैग होता है जिसमें शुगर चीनी भर के आती है, तो बेटा जूट के ही बने होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द और बैग्स, मैट, चटाई वगैरह जो होती हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द जूट। तो जूट के प्रोडक्शन को इंडिया इस समय देखा जाए तो सेकेंड या थर्ड रैंक को होल्ड करता है, कभी फोर्थ रैंक भी जा सकता है, क्योंकि बेटे थाईलैंड है, फिलीपींस है, ये गुड कंपटीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जूट के लिए इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार ने बच्चों 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी का फॉर्मेशन किया। इम्पोर्टेंट बच्चों, नेशनल जूट पॉलिसी बेटे सरकार ने नेशनल जूट पॉलिसी का फॉर्मेशन 2005 में किया। इसका मेन पर्पज क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी? तो बच्चे सरकार का मेन पर्पज है कि जूट के प्रोडक्शन को और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ जूट। एंड द मेन पर्पज ऑफ द जूट नेशनल जूट पॉलिसी ऑफ 2005 व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड व्हिच मेन पर्पज इज टू इंक्रीज द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर जूट एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द प्रॉपर प्राइसेस ऑफ द जूट टू द जूट प्रोड्यूसिंग फार्मर। जो जूट का प्रोडक्शन का जो फार्मर करते हैं उनको प्रॉपर एक उनको जूट के प्रोडक्शन का प्रॉपर प्राइस प्रोवाइड करना और जूट के प्रोडक्शन को इनकरेज करना, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द नेशनल जूट पॉलिसी। सो दैट हम इस नए कॉम्पिटिटिव दुनिया में जो जूट प्रोड्यूसिंग अदर स्टेट्स कंट्रीज अपने आप को इम्प्रूव करें, डेवलप करें, उनको हम कम्पीट कर सकें, इस वजह से सरकार ने नेशनल जूट पॉलिसी 2005 को इनिशिएट किया। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 है been implemented in India in 2005, whose main purpose is to provide the proper prices and to increase the production of the jute in India. इस तरीके से बच्चों ये आपका मेन टॉपिक हुआ, ये आपका जूट, ये तीनों आपकी क्रॉप्स हो गई। पहला आपका बच्चों जो आपका नॉन फूड क्रॉप में रबर, दूसरा बच्चों आपका कॉटन और तीसरा आपका जूट। इन तीनों क्रॉप को अच्छे से पढ़ लीजिए। रबर के प्रोडक्शन में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड मेघालय दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग, जिसमें तमिलनाडु इज होल्डिंग द फर्स्ट रैंक। पूरी दुनिया में बेटे इंडिया जो रबर के प्रोडक्शन में फोर्थ रैंक को होल्ड करता है। मलेशिया एंड थाईलैंड दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द रबर। रबर का इंडस्ट्रियल यूज आप लोगों ने पढ़ ही रखा है और ये प्लांटेशन होता है, रबर प्लांटेशन होता है, ये दोनों होता है बेटा, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों होता है एंड इसका इंडस्ट्रियल में यूज आई हैव एक्सप्लेन टू यू। दूसरा बच्चों हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ा। कॉटन एज यू नो दैट इट इज ए किंग ऑफ फाइबर एंड इंडस्ट्रियल का मेन सेक्टर्स का, इंडिया के मेन इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक रॉ मटेरियल्स है एंड इसका यूजेज, इसका प्रोडक्शन में होता है गुजरात महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउदर्न राजस्थान, तेलंगाना एंड कर्नाटका, दीज आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड इसे किंग ऑफ फाइबर्स भी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद चौथा बच्चों मैंने गोल्डन फाइबर के नाम से जूट फेमस है और जूट का प्रोडक्शन क्यों सबसे ज्यादा अफेक्टिव इंडस्ट्री कौन थी एट द टाइम ऑफ द डिवीजन, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों को जो पढ़ना है बेटा टेक्निकल रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ना है। टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर लगभग दो वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर बच्चों लोग मोस्ट अवेटेड चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर जिसमें आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज कितना रखेंगे बच्चों? थैंक यू।